हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 5, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 9 ट्रांजेक्शन गिवन है, जिसकी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है और साथ ही बैलेंस शीट भी बनानी है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो देखिए, इस तरीके का फॉर्मेट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। एसेट इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आप लिखेंगे। एसेट में यहाँ पे 5 एसेट्स की बात हो रही है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बैंक और मोटर व्हीकल। और साथ में आपको यहाँ पे लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर की बात हो रही है। कैपिटल तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल होता ही है। ये सब कैसे पता चलता है? ये क्वेश्चन रीड करके पता चलता है कि किन एसेट्स की बात हो रही है, किन लाइबिलिटी की बात हो रही है। अब आपको करना क्या है, आपको एक बिजनेस के परस्पेक्टिव से सोचना है और कम से कम हर एक ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे पहले ट्रांजेक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया है 50,000 से, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो कैश में 50,000 आ जाएगा, दूसरा कैपिटल में 50,000 आ जाएगा। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आपको जीरो ही मेंशन करना है। इसके बाद द्वारा आपको टोटल करना है। अब आपको सेकेंड ट्रांजेक्शन देखनी है, क्या है हमारे पास। सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड इन टू बैंक रुपीज 10,000। अब 10,000 रुपीज के अमाउंट को बैंक में जमा करा दिया गया है, तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। एक तो 10,000 रुपीज हमारे पास कम हो जाएंगे कैश में, दूसरा बैंक में 10,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएंगे। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो आएगा। अब कैश में टोटल होगा 40,000, बैंक में 10,000 और कैपिटल में 50,000 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं आया अभी, वहां पे जीरो ही टोटल आएगा, वहां पे जीरो ही अमाउंट आएगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। तो गुड परचेज किए गए हैं 20,000 रुपए कैश में और 30,000 रुपीज उधार में परचेज किए गए हैं। तो देखिए इसका इम्पैक्ट कैसे होगा। तो 20,000 रुपीज जो कैश में परचेज किए गए हैं, तो मतलब कि बिजनेस के पास है 20,000 रुपीज का कैश कम हो गया। स्टॉक में हमारे पास 50,000 इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही परचेज किए गए हैं तो 50,000 का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और साथ के साथ 30,000 के क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट तीन जगह होगा। अब टोटल कीजिएगा तो कैश में 20,000 आएगा, स्टॉक में 50,000 आएगा, फर्नीचर में जीरो ही आएगा, बैंक में 10,000 आएगा, मोटरसाइकिल में जीरो ही आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी जीरो आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा और कैपिटल में 50,000 आएगा। इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग रुपीज 30,000। मतलब की ये 30,000 रुपीज के गुड्स को 40,000 रुपीज में बेच दिया गया है। तो यहाँ पे बिजनेस के पास पैसा आया है कैश में 40,000 रुपए, स्टॉक में से आप 30,000 माइनस करेंगे क्योंकि 30,000 रुपीज की सेल हो गई है, और डिफरेंस जो है 10,000 का उसे आप कैपिटल में प्लस करोगे। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं आया वहां पे आपको जीरो ही मेंशन करना है। यहाँ पे कैश में 60,000 आएगा, स्टॉक में 20,000 आएगा, बैंक में 10,000 आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा और कैपिटल में 60,000 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास रेंट पेड 500 रुपीज। तो रेंट पे किया गया है, इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो 500 रुपीज आपके कैश में से माइनस हो जाएंगे, दूसरे 500 रुपीज आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। इसके बाद टोटल कीजिएगा तो कैश में टोटल होगा 59,500 रुपीज का, स्टॉक में 20,000 आएगा, फर्नीचर में जीरो आएगा, बैंक में 10,000 आएगा, मोटर में जीरो ही आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा और कैपिटल में 59,500 आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6 है हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 100 मेंशन कर दीजिए और दूसरा कैपिटल में से 100 माइनस कर दीजिए। फिर टोटल करना है तो 59,500 कैश में आएगा, 20,000 स्टॉक में आएगा, फर्नीचर में जीरो आएगा, 10,000 बैंक में आएगा, मोटर में जीरो आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 100 आएगा, क्रेडिटर में 30,000 और कैपिटल में आएगा 59,400। यहाँ तक हमारी 6 ट्रांजेक्शन हो गई है। अब हम 7 ट्रांजेक्शन करेंगे, जिसमें फर्नीचर परचेज किया गया उधार में। अब उधार में फर्नीचर परचेज किया गया तो भी इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो हमारे पास फर्नीचर इंक्रीज हो गया 5,000 रुपीज से, दूसरा हमारे पास क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे 5,000 रुपीज से। फिर टोटल करना है आपको, कैश में 59,500, स्टॉक में 20,000, फर्नीचर में 5,000, बैंक में था 10,000, मोटर में जीरो आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 100 आएगा और आपके पास क्रेडिटर आपके 35,000 हो जाएंगे और कैपिटल आपकी 59,400 होगी। 8th ट्रांजेक्शन है ब्रॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000। तो 5,000 रुपीज का पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर परचेज किया गया है। इम्पैक्ट दो जगह ही होगा, एक तो कैश में से 5,000 माइनस हो जाएंगे, दूसरा कैपिटल में से 5,000 माइनस हो जाएंगे। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो ही आएगा। अब माइनस कीजिए तो कैश में 54,500 आएगा,
स्ट्रोक में 20,000, फर्नीचर में 5,000, बैंक में 10,000, मोटर में 0 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 100 आएगा, क्रेडिटर में 35,000 और कैपिटल में माइनस करने पे 54,400 आएगा। अब हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 9, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश रुपीज 20,000। तो मोटरसाइकिल परचेज की गई है 20,000 रुपीज की। इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा, एक तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा 20,000 से, दूसरा हमारे मोटरसाइकिल में 20,000 प्लस हो जाएंगे। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो ही आएगा। अब फिर टोटल करना है तो कैश में 34,500 आएगा, स्टॉक में 20,000 आएगा, फर्नीचर में 5,000 आएगा, बैंक में 10,000 आएगा, मोटरसाइकिल में 20,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 100 आएगा, क्रेडिटर में 35,000 आएगा और कैपिटल में 54,400 आएगा। अब आपकी सारी ट्रांजेक्शन की क्या हो गई है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन कर ली है, अब टोटल कीजिएगा। तो एसेट साइड का टोटल हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होना चाहिए, हमारे केस में ये इक्वल है। अगर आपके केस में टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपने किसी ट्रांजेक्शन में कोई मिस्टेक की हो। अब बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट भी आप सिंपल की मदद से बना लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से। तो लायबिलिटी में कैपिटल, क्रेडिटर और रेंट आउटस्टैंडिंग आएंगे, ये अमाउंट आप अकाउंटिंग इक्वेशन से देख के लिख सकते हैं। और एसेट में कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर और मोटरसाइकिल आएंगे, ये अमाउंट भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन से देख के लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बनेगी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।